दोस्तों, भारतीय संविधान में हमारे देश को कई अनमोल विशेषताओं से परिभाषित किया है, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोवर्न इत्यादि। पर इन प्रिंसिपल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसा फीचर है जो हमारे देश के सेंटर और स्टेट्स को यूनाइटेड रखता है, वो है फेडरलिज्म। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया की डाइवर्सिटी और स्टेट की डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए संविधान के थ्रू फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स देश के हित में मिलकर काम कर सकें। कई प्रोविजंस द्वारा स्टेट्स को अधिकार दिया गया है कि वो बिना सेंटर की दखलअंदाजी के राज्यों में अपने बनाए हुए लॉज लागू कर सकते हैं। इनफैक्ट स्टेट्स के बीच भी कोई विवाद पैदा ना हो, इसका भी ख्याल संविधान द्वारा रखा गया है। लेकिन अक्सर जमीनी सच्चाई कुछ और ही दृश्य बयान करती हुई नजर आई है। कई बार सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट के रिलेशनशिप्स बिगड़ते और बनते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा गेम केवल पॉलिटिकल गेम्स के चलते खेला जाता है। हाल फिलहाल में ऐसा ही कुछ दृश्य हमें चंडीगढ़ के बैटल ग्राउंड से देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से चंडीगढ़ पॉलिटिकल हलचल का केंद्र बना हुआ है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सरकारें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आ रही हैं। तीनों प्लेयर्स चंडीगढ़ को अपना बनाने की जिद में एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स पास किए जिसका पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने विरोध किया है। उसके अलावा पंजाब और हरियाणा ने कोशिशें की कि चंडीगढ़ के ऊपर उनका कंट्रोल मजबूत हो सके। आखिर वो रूल्स क्या थे जिन्हें केंद्र सरकार ने लागू करने का निर्णय लिया है, और क्यों पंजाब और हरियाणा ने उनके विरोध करते हुए अपनी असेंबलीज में रेजोल्यूशंस पास किए हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है, और इससे जुड़े सवाल GS2 के फेडरलिज्म और सेंटर स्टेट रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए इससे जुड़ा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी IQ की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए UPSC कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया, और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी IQ लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है UPSC, CSE और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्विक रिवीजन के लिए टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जाम्पल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी UPSC प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी IQ की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, चंडीगढ़ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे पहले डेवलप की गई प्लान्ड सिटीज में गिना जाता है, जो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिजाइन किया गया है। हिंदू धर्म की गॉडेस ऑफ पावर चंडी और गढ़ यानी किला, इन दो शब्दों से चंडीगढ़ का नाम प्रेरित है। 1947 में जब देश पार्टीशन के डार्क फेज से गुजर रहा था, तब पंजाब को भी दो हिस्सों में बंटना पड़ गया, एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले वेस्ट पंजाब में और हिंदू एंड सिख मेजोरिटी वाले ईस्ट पंजाब में। पार्टीशन के बाद वेस्ट पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और ईस्ट पंजाब इंडिया का। बंटवारे से पहले फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस पंजाब का कैपिटल लाहौर था, लेकिन वेस्ट पंजाब में लोकेटेड होने के कारण ये भी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और वेस्ट पंजाब का कैपिटल भी इसे बनाया गया। ऐसे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे पंजाब के लिए उसकी पुरानी संस्कृति, मान्यता और गौरव वापस देने के लिए ऐसी राजधानी क्रिएट की जानी चाहिए जो लाहौर को टक्कर दे सके। उनका विजन था कि पंजाब की न्यू कैपिटल नए भारत को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आनी चाहिए। इस दौरान पंजाब कैपिटललेस स्टेट ना रहे, इसलिए शिमला को उसकी टेम्पररी राजधानी बनाने का फैसला किया गया। साथ ही पंडित नेहरू के विजन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने नए शहर चंडीगढ़ को बनाने के लिए खरार में कुछ विलेजेस एक्वायर किए और सिटी के लीगल फ्रेमवर्क को 1952 में कैपिटल ऑफ पंजाब एक्ट के तहत सेट कर दिया। चंडीगढ़ ने ऑफिशियली 1953 में शिमला से पंजाब की राजधानी का खिताब लिया, जब लेट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन किया था। उत्तर भारत में स्थित ये खूबसूरत शहर इंटरनेशनली अपने आर्किटेक्चर और अर्बन डिजाइन के लिए जाना जाता है। पॉलिश आर्किटेक्ट मैकीज नोविस्की और अमेरिकन प्लानर अल्बर्ट मेयर के अर्लियर प्लान्स को कंट्रीब्यूट करते हुए चंडीगढ़ का मास्टर प्लान स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट
ले कॉर्बुज़िए द्वारा प्रिपेयर किया गया था। इनफैक्ट चंडीगढ़ की अधिकांश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और हाउसिंग उस टीम ने डिजाइन की है जिसे ली कॉर्बुज़िए, जेन ड्रू और मैक्सवेल फ्राई हेड कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉर्बुज़िए द्वारा डिजाइन की गई बिल्डिंग्स के ग्लोबल ग्रुप के अंडर चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स जुलाई 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस के 40th सेशन में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती है। इसके अलावा 2015 में LG इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सर्वे द्वारा इसे इंडिया की हैप्पीएस्ट सिटी की तरह अनाउंस किया गया। चंडीगढ़ 1953 से 1966 तक पंजाब की कैपिटल रही है, जब तक हरियाणा का निर्माण नहीं हुआ था। पंजाब के जिन एरियाज में हिंदी स्पीकिंग मेजॉरिटी थी, उन लोगों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक अलग राज्य की मांग करनी शुरू की, जिसके कारण 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर पंजाब को पंजाब और हरियाणा इन दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया। साथ ही पंजाब के कुछ हिली एरियाज हिमाचल प्रदेश को भी ट्रांसफर कर दिए गए। आज हरियाणा में अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी और पंजाब में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की मदर टंग पंजाबी देखने को मिलती है। खैर, हरियाणा के क्रिएशन से समस्या खत्म नहीं हुई थी, पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन से कैपिटल की समस्या भी पैदा हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि उचित समय पर हरियाणा की खुद की राजधानी होगी और चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच टेंशन्स को और बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया कि चंडीगढ़ को अगले 10 सालों तक एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल के रूप में भी फंक्शन करेगा। इस प्रकार चंडीगढ़ शहर और आसपास के कुछ गांव को केंद्र सरकार द्वारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत नवंबर 1966 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर फॉर्मर पंजाब में 1 नवंबर 1966 से पहले जो लॉस फंक्शन कर रहे थे, वही कानून यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ पर भी लागू किए गए थे। इसके अलावा 1984 तक चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन चीफ कमिश्नर अनुशासित कर रहे थे, लेकिन 1984 में गोल्डन टेंपल पे ऑपरेशन ब्लू स्टार फैसिलिटेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नर ऑफ पंजाब को यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर डिजिग्नेट कर दिया और चीफ कमिश्नर को एडवाइजर टू द एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया। वैसे तो ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट था, लेकिन आज तक गवर्नर ऑफ पंजाब ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाते हैं। यूं तो गवर्नरशिप की पोजीशन न्यूट्रल मानी जाती है, लेकिन अक्सर पंजाब गवर्नमेंट इस पोजीशन के थ्रू चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करती रहती है। जहां केवल 10 सालों के लिए चंडीगढ़ यूटी बनने वाला था, वहीं इशू रिजॉल्व ना हो पाने के कारण चंडीगढ़ आज तक कॉमन कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरी भी। इसलिए चंडीगढ़ हमेशा हरियाणा और पंजाब के बीच झगड़े का कारण बनता रहा है। 1985 में राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के तहत चंडीगढ़ जनवरी 26, 1986 को पंजाब को सौंप दिया जाना था, लेकिन हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या और अकॉर्ड के खिलाफ अकाली दल के कुछ मेंबर्स के प्रोटेस्ट के कारण राजीव गांधी की सरकार ने इस अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया था, जिसके चलते चंडीगढ़ केवल पंजाब की कैपिटल नहीं बन सका। हरचंद सिंह लोंगोवाल 1980s के पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान अकाली दल के प्रेसिडेंट थे। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से कितना सेंसिटिव है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंडीगढ़ को अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा अपनी असेंबलीज में अब तक 6 बार रेजोल्यूशंस पास कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1967, 1970, 1978 और 2014 में नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस पास करके पंजाब में ये मांग की गई थी कि चंडीगढ़ को केवल पंजाब की कैपिटल बना दी जाए। वहीं 1985 और 1986 में गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद हरियाणा राज्य ने नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन बहुमत के साथ पास करके चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाने की डिमांड रखी थी। आज एक बार फिर 2022 में चंडीगढ़ को हम हरियाणा और पंजाब का बैटल ग्राउंड बनते देख रहे हैं। अप्रैल 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया और सेंटर से डिमांड किया कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट को खत्म करते हुए चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब का कैपिटल बना दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ऑपोजिशन के 2 मेंबर्स को छोड़ सभी असेंबली मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, लेकिन सवाल उठता है कि अचानक पंजाब ने यह मुद्दा दोबारा क्यों उठाया। दोस्तों, दरअसल मार्च 2022 में देश के होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लागू होने वाले सेंट्रल सर्विस रूल्स
चंडीगढ़ एम्प्लॉयज रूल्स 2022 के तहत अब चंडीगढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। इससे पहले लगभग 16,000 चंडीगढ़ एम्प्लॉयज की सर्विस कंडीशन पंजाब के समान होती थी। माना जा रहा है कि सर्विस कंडीशंस में सुधार के लिए एम्प्लॉयज काफी समय से मांग कर रहे थे। सेंट्रल सर्विस रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिटायरमेंट एज अब 58 ईयर्स से इंक्रीज होकर 60 ईयर्स हो गई है। विमेन एम्प्लॉयज के लिए चाइल्ड केयर लीव 1 से 2 साल बढ़ा दी गई है। एम्प्लॉयज को उनके 2 बच्चों तक के लिए 2,250 रुपीज पर मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा डीएनएस अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस जैसे अन्य अलाउंसेस भी पे स्केल के मुताबिक इंक्रीज हो गए हैं। इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए सरकार अपने एम्प्लॉयज को डीएनएस अलाउंस देती है और ऑफिशियल वर्क से ट्रैवलिंग के लिए दिए जाने वाले अलाउंस को कन्वेंस अलाउ कहते हैं। खैर, पंजाब के पुलिस डिपार्टमेंट जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स का कहना है कि सेंटर सर्विस रूल्स के लागू हो जाने से उनका पे स्केल कम हो जाएगा, क्योंकि सेंटर का पे स्केल पंजाब की तुलना में कम है। इसलिए जिनके इन डिपार्टमेंट में अब नियुक्ति होगी, सेंटर्स पे स्केल के अंडर उन्हें पंजाब रूल्स के कंपैरिजन लो सैलरी मिला करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए मैक्सिमम एज भी कम हो गई है। पंजाब सर्विस रूल्स में जॉब अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स हुआ करती थी, वही सेंटर सर्विस रूल्स के थ्रू इसे डिक्रीज करके 27 ईयर्स कर दी गई है, जिसके कारण माना जा रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कट डाउन हो जाएंगी। कुछ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज, स्पेशली एजुकेशन और नर्सिंग डिपार्टमेंट को इन नियमों से काफ़ी फायदा होगा, लेकिन पे स्केल और रिक्रूटमेंट एज कम होने से अन्य डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रहे हैं। साथ ही पंजाब ने इस बदलाव के खिलाफ आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि ये नियम पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के प्रोविजंस को डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, क्योंकि एक्ट के अनुसार पंजाब के लॉज और रूल्स ही चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट होंगे। पिछले सभी केसेस में जब भी किसी राज्य का विभाजन किया गया है तो राजधानी मूल राज्य के पास रहती है, इसलिए पंजाब चंडीगढ़ के कंप्लीट ट्रांसफर का दावा करता रहा है। इसके अलावा जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि यूनियन टेरिटरी का अरेंजमेंट केवल विवाद को शांत करने के लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन के रूप में इंप्लीमेंट किया गया था। पंजाब का मानना है कि सेंट्रल सर्विस रूल्स के एप्लीकेशन से चंडीगढ़ धीरे धीरे एक परमानेंट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा और पंजाब का उस पर क्लेम कमजोर होता चला जाएगा। जिस तरह दिल्ली की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बावजूद दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, यहां भी पंजाब गवर्नमेंट को डर है कि सेंटर अपनी मौजूदगी किसी न किसी तरह बनाने की कोशिश कर रही है। यहां पॉलिटिकल एंगल से देखा जा सकता है कि फिलहाल पंजाब आम आदमी पार्टी और सेंटर बीजेपी में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हैं, जिसके कारण दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने बीबीएमबी में भी बदलाव लाने का फैसला किया था, जिसके कारण पंजाब और हरियाणा इसे फेडरलिज्म पे अटैक का मामला बता रहे हैं और उन्हें डर है कि देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीबीएमबी रूल्स 1974 अमेंड करके भाकरा बीज मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए न्यू क्राइटेरिया अडॉप्ट करने का फैसला किया है। बीबीएमबी 1966 में पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान सेटअप किया गया था। इसका मेजर फंक्शन पंजाब और हरियाणा को सतलुज, रवि और ब्यास का वाटर सप्लाई रेगुलेट करना है और साथ ही ये बोर्ड इन नदियों के कई इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स भी मैनेज करता है। बीबीएमबी द्वारा मैनेज किए जाने वाले रिसोर्सेज में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ शेयर मौजूद है। बीबीएमबी रूल्स 1974 के अनुसार बीबीएमबी में पावर मेंबर पंजाब से सिलेक्ट होते थे और इरिगेशन मेंबर हरियाणा से बिलोंग करते थे और इन्हें बोर्ड के की मैनेजमेंट पोजीशंस भी माने जाते हैं। चेयरमैन की किसी अन्य स्टेट से नियुक्ति की जाती है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट्स भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड में नॉमिनेट करते हैं। अब न्यू रूल्स के तहत इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। रूल्स के अनुसार फुल टाइम मेंबर्स का सिलेक्शन नए मेथड से किया जाएगा, जहां टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के आधार पे केवल पंजाब और हरियाणा से ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी राज्य से मेंबर्स सिलेक्ट किए जा सकते हैं। दोनों राज्यों ने बिना किसी कंसल्टेशन के बोर्ड रूल्स को अमेंड करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। पंजाब और हरियाणा को भी ये डर है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू दोनों स्टेट्स बीबीएमबी पे अपना कंट्रोल लूज कर देंगे। वहीं दूसरी ओर जब पंजाब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया तो हरियाणा ने भी अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हुए पंजाब की डिमांड को पॉलिटिकल ड्रामा बताया।
हरियाणा असेंबली ने चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की कैपिटल स्वीकारते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जब तक 1966 में पंजाब के रीऑर्गेनाइजेशन से उत्पन्न सभी मुद्दों को रिजॉल्व नहीं किया जाता तब तक कोई कदम न उठाया जाए। उन मुद्दों में हरियाणा के लिए सबसे प्रमुख सुतलज यमुना लिंक यानी SYL कैनाल है। दोस्तों SYL कैनाल एक 214 किलोमीटर लॉन्ग प्रपोज्ड कैनाल है जो सुतलज और यमुना रिवर्स को कनेक्ट करेगा, जिसमें हरियाणा द्वारा 92 किलोमीटर वर्क कंप्लीट हो चुका है और पंजाब में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पंजाब डिवीजन से जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो हरियाणा को रिवर वाटर्स में उसका हिस्सा देने की समस्या पैदा हुई। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा को सुतलज और ब्यास से उसका शेयर मिल सके, सुतलज के साथ यमुना को लिंक करता हुआ एक कैनाल प्लान किया गया, लेकिन पंजाब ने इन रिवर वाटर्स को शेयर करने से साफ इनकार कर दिया। उसका मानना था कि शेयरिंग ऑफ वाटर रिपेरियन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, जो ये डिक्टेट करता है कि नदी का पानी केवल उस राज्य या देश को बिलोंग करता है जिसके थ्रू वो बहती है। खैर 1981 में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने आपसी सहमति के साथ वाटर को रीलोकेट करने का फैसला किया, लेकिन 1982 में जब पंजाब के कपूरी गांव में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ, लेकिन 1985 में न्यूली इलेक्टेड अकाली दल ने 1981 एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकना पड़ गया। 1996 में हरियाणा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को निर्देश दिया कि अपनी टेरिटरी में वो कैनाल का काम कंप्लीट करे, लेकिन पंजाब ने उल्टा 2004 में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स को टर्मिनेट करते हुए पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पास कर दिया, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं हो सका। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बताते हुए 2020 में दोनों राज्यों को नेगोशिएट करके कैनाल इशू को सेंट्रल गवर्नमेंट की मीडिएशन के थ्रू सेटल करने का निर्देश दिया। पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए ये डिमांड किया कि इतने सालों में वाटर अवेलेबिलिटी में कमी आने के कारण नदियों के पानी का फ्रेश टाइम बाउंड असेसमेंट होना चाहिए ताकि वाटर शेयरिंग में दिक्कत ना आए। इन सब के बावजूद इतने सालों में कुछ खास नतीजा ना निकलने के कारण 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करते हुए कैनाल वर्क को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की मांग की है। तो सब सवाल उठता है कि इस विवाद को किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए। तीनों कंसर्न स्टेक होल्डर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट किन स्टेप्स के थ्रू चंडीगढ़ के साथ साथ बाकी क्रिटिकल इश्यूज को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स फेडरिज्म की तरफ सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं। उनका मानना है कि फेडरिज्म की स्प्रिट के खिलाफ कोई भी कदम किसी भी सरकार द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। फेडरिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सेंटर और उसके प्रोविंसेस या स्टेट्स में पावर्स डिवाइडेड होते हैं। इंडिया में संघवाद यानी फेडरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाता है। वैसे दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा सवाल आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और सवाल है, अंडर विच लीगल वर्डिक्ट डिड द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट द्वारा फेडरलिज्म को इंश्योर किया जाता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स पे केंद्र सरकार लॉज बना सकती है और कुछ टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बिना लॉज फ्रेम कर सकती है। और पंजाब, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच इस बढ़ते विवाद में फेडरलिज्म खतरे में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार तीनों स्टेक होल्डर्स को कंसल्टेशंस और मीटिंग के माध्यम से पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने के बजाय परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, चाहे फिर वो मुद्दा चंडीगढ़ का हो या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से जुड़े अन्य दूसरे मुद्दों का। इसके अलावा ओपिनियंस ये भी रिकमेंड करते हैं कि परमानेंट ट्रिब्यूनल स्थापित करके वाटर डिस्प्यूट्स को सॉल्व या बैलेंस किया जाना चाहिए। एम्प्लॉयज की भी डिमांड्स और नीड्स को समझते हुए सही समय पे वर्किंग कंडीशंस और पे स्केल में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी स्टडी IQ की तरफ से आपके लिए चंडीगढ़ से जुड़े विवाद की एक झलक, जिसमें हमने चर्चा की कि चंडीगढ़ किस तरह वजूद में आया और क्यों पंजाब और हरियाणा के बीच कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फेडरलिज्म स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का एक साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अंत में UPSC मेंस में इस टॉपिक की रिलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोग करते हैं पर मेंस को आप मिस कर देते हैं।
बट कोशिश करिएगा कि इस सवाल का जवाब भी आप उतनी ही इंटेंसिटी के साथ दें. एंड द क्वेश्चन इज हाउ डू द रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन चंडीगढ़ बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अफेक्टेड द फेडरलिज्म स्पिरिट ऑफ इंडिया. एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.